नमस्कार, मैं रीनू कुमारी और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। भारत टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल 2023 के लिए मेस टी20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। सूर्य कुमार यादव ने यह अवार्ड लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। बता दें कि टी20 रैंकिंग में टॉप पर विराजमान सूर्या ने साल 2023 में बल्ले से रनों की बरसात की थी, जिसका अब आईसीसी ने उन्हें नाम दिया है। दरअसल साल 2023 में सूर्य कुमार यादव ने 48 की औसत से रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 155 का था। साल 2021 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले सूर्या ने बेहद ही कम समय में अपने प्रदर्शन से हर किसी को खूब इंप्रेस किया। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्यकांत यादव ने अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच में छक्का लगाकर ही अपनी काबिलियत का नज़ारा पूरी दुनिया को दिखा दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आईसीसी ने उन्हें साल 2023 के टी20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर से नवाजा है। बता दें कि इस अवार्ड के लिए कुल 4 खिलाड़ी नॉमिनेटेड थे, जिनमें से जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, युगांडा के अल्पेश रामचानी और न्यूजीलैंड के मार्क चैम्पियन का नाम भी शामिल था। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर सूर्य ने बाजी मारी और ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। साल 2023 में सूर्य कुमार यादव को टी20 आई के लिए भारत की कप्तानी भी दी गई। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने की वजह से सूर्या को यह जिम्मेदारी मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्या ने 42 गेंदों में 80 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 36 गेंदों पर 56 रन बनाए। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में उनके बल्ले से शतक भी निकला। बता दें कि टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में 17 पारियों में 733 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 48 और स्ट्राइक रेट 155 का रहा। आईसीसी ने साल 2021 में इस अवार्ड को देना शुरू किया था, जिसमें पहला अवार्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को मिला था। इसके बाद साल 2022 के लिए और साल 2023 के लिए सूर्य कुमार यादव इस अवार्ड के विजेता बने हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।